दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आरआरबी की अच्छाई और बुराई को डिस्कस करेंगे। अच्छा, और मतलब आरआरबी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आरआरबी का और आईपीएस पीओ का अपन दोनों का एक कंपैरिजन भी इस वीडियो में कर ही देंगे। तो चलो चालू करते हैं। देखो अब बात आती है सबसे पहले आरआरबी की अच्छाइयों में लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात आती है भाई कि आप जिस स्टेट के हैं ऑब्वियसली आप वहां से ही फॉर्म भरते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। लोग होते हैं जो बाहर जाके कहीं दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं, जैसे मैं हूं, मैंने एमपी से ही फॉर्म भरा था। तो सबसे अच्छी बात आरआरबी की क्या होती है, वो है कि होम पोस्टिंग। आपको 2 साल या 3 साल बाद घर के पास में, अब तो सच बोल दे, ज्यादा पास में नहीं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घर के पास में दे दिया जाता है, जिससे मतलब चीजें कन्वीनियंट हो जाती है। एसबीआई से कंपेयर कर लें अपन या फिर आईबीपीएस पीओ से कंपेयर कर लें, वहां पर ऐसा होता है कि शायद आपकी पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेट हो जाए, कहीं और हो जाए। तो एक बेनिफिट आरआरबी के साथ ये है कि होम पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। अब जो सेकंड बेनिफिट की बात आती है, वर्क प्रेशर। लोग ऐसा बताते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ही कम है आरआरबीज में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरआरबीज में कंपेरेटिवली आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं थोड़ा कम है, लेकिन प्रेशर तो है। ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं कि प्रेशर नहीं है। तो जो लोग बहुत ही रूरल मतलब बहुत ही छोटी ब्रांचेस में हैं, तो वो उन लोगों को लगता है प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अर्बन ब्रांच, तो उन लोगों को लगता है कि प्रेशर सेम ही तो है आईपीएस पीओ जैसा, एसबीआई पीओ जैसा। लेकिन एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, आरआरबी पीओ में थोड़ा सा कम प्रेशर है, चाहे आप अर्बन की बात भी कर लो। तो थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप रूरल ब्रांच में हो आरआरबी की, तो आपका वर्क प्रेशर वो बहुत मतलब समझ लो हाफ हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड जो बात आती है आरआरबी की अच्छाइयों में, वो है कि वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब कि भाई आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे आरआरबी में जॉब करते करते। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे संडे सैटरडे को बुला लिया जाता है, ठीक है। हर छुट्टी जो है वो दी जाती है। ऐसा मैंने बहुत, जैसे मैं अर्बन ब्रांच में हूं अब, तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि संडे सैटरडे को बुलाया गया। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है, 7 बज जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि संडे सैटरडे मेरे को बुलाया गया। बकायदा मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, संडे सैटरडे घूम आता हूँ कहीं पे जाके। अरे हाँ भाई हाँ। और छुट्टी भी मैं जितनी आईपीएस एसबीआई पीओ को मिलती है उतनी हमको भी मिलती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आरआरबी में कंपैरेटिवली आईपीएस पीओ के और एसबीआई पीओ के ज्यादा अच्छा है। सही पकड़े हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो देखो, ये मैंने खुद ऐड किया है, ऐसा यानी कहीं बताया नहीं गया है या फिर कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन मेरे को जो लगता है मैंने वो ऐड किया है इसमें, वो है ना रिस्पेक्ट। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। रिस्पेक्ट क्या मतलब, यहाँ पे जो मेरे को लगता है कि जो ऑफिसर की जो रिस्पेक्ट है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली आईपीएस की, क्योंकि हमारे जो कस्टमर बेस है, जो आरआरबी का कस्टमर बेस है, थोड़ा लो वेजेस वाला कस्टमर बेस है हमारा, इसलिए हमारी जो इज्जत है और यानी हमारी जो इज्जत है वो ज्यादा ही है। अर्बन में तो ठीक है कि चलो कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत इज्जत हो रही है, बाहर नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, मतलब रूरल इलाके में हैं, जैसे मैं था, ठीक है, तो वहां पे आप जब बाहर भी निकलोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। मतलब ऑफिसर तो आप यहां बोलते हो, वहां पे आप साहब होते हो और साहब की इज्जत ऑफिसर से ज्यादा होती है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, वो है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स से मेरा मतलब है जैसे 10 से 6 का टाइम है, जैसे मेरे को ज्यादा से ज्यादा 6:30 होगा 7 होगा, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों, जैसे मेरे दोस्त हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, इसे बहुत सारे लोगों से पूछा है 8:09, 8:09, ये उनका रेगुलर का है। सलाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वर्किंग आवर्स है आरआरबीज में ज्यादा अच्छे हैं कंपेरेटिवली एसबीआई पीओ के और आईपीएस पीओ के। अब जो सेवेंथ पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि भाई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे मैं एमपी का हूँ, मैं एमपी का फॉर्म भर रहा हूँ, मैं ही जॉब करूंगा तो मेरे में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। अब जैसे कई लोग हैं एसबीआई पीओ आईबीएस पीओ, अब वो लोग हैं यहाँ के हैं, एमपी के हैं और चेन्नई में पोस्टिंग मिल गई। ऐसे बहुत सारे हैं, कैनरा बैंक में भी है, लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी होती है। अच्छी बात है आरआरबी की, देखो ऐसा कोई प्लस पॉइंट तो नहीं है ये। बाकी मेरे को ऐसा लगा कि बताना चाहिए लोगों को, कई लोग को नहीं पता होता कि आरआरबी जहां स्टेट में रहते हैं उसी वहीं का आरआरबी मिलता है। अब जो एट्थ पॉइंट आता है वो है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होती है, देखिए जैसे बीमा वाले आते हैं, उनका बीमा बेचना होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे यहाँ क्रॉस सेलिंग है पर बहुत कम है।
ना कोई परेशान नहीं आता उसको। मैंने बहुत सारी अच्छाइयों की बात कर ली, ठीक है, अब थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आईपीएस पीओ और एसबीआईपीओ वाले को बुरा लग जाए। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ी सी बुराई अपन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है वो है स्लोअर प्रमोशन। बहुत स्लो प्रमोशन होते हैं। फास्ट ट्रैक में शायद 6 साल है और नॉर्मल जो है 8 साल है। मतलब अगर जीआईबी से भी कर लोगे तो 4 साल है स्केल 1 से स्केल 2 में, तो बहुत ही स्लो प्रमोशन है। आईपीएस पीओ में बहुत अच्छा प्रमोशन है, एसबीआईपीओ में तो बहुत ही अच्छा प्रमोशन है। लेकिन जो बहुत बुरी चीज मेरे को लगती है, मतलब बहुत ही बुरी लगती है, वो है अलाउंसेस बहुत कम है। कोई भी, जैसे मैं, अब मेरे को नहीं पता कि दूसरे आरआरबीज में क्या है, जैसे यूपी आर्यावत में क्या है, बाकी ग्रामीण बैंक में क्या है, लेकिन जो एमपी के ग्रामीण बैंक है उसमें अलाउंसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना। हमको पेट्रोल का मिलता है ना लीज अकोमोडेशन मिलता है, तो ये चीज बहुत बुरी लगती है। जब हम दोस्तों को देखते हैं उनको लीज अकोमोडेशन और पेट्रोल वेट्रोल का मिल रहा है, तो बुरा लगता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे एक मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक है, एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक है। अब मध्यांचल की कुछ कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं कि वो जो टीन शेड है ना उसमें बनी हुई है, और ऐसे तो चलो जो मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक है वो थोड़ा मतलब डेवलप है, लेकिन जो मध्यांचल है वो बहुत ही कई कई जगह तो बहुत ही बुरी हालत है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है। अब एसी भी नहीं होते हैं ब्रांचेज में, बहुत ही बड़ी ब्रांचेज में एसी होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप आईपीएस पीओ यानी कैनरा बैंक चले जाओ और एसबीआई चले जाओ तो यार आपको पता ही है कि वहाँ पे कितना शानदार तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है हम लोग का, तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा खराब है। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है कि जो वर्क है, जो काम है, वो काम है, मतलब वो बुरी चीज इसलिए है क्योंकि आरआरबीज में जो काम है वो कम है, क्योंकि हमको चीजें सीखने नहीं मिलती। मतलब समझ लो कि गोल्ड लोन बहुत ही कम ब्रांचेस में है, ठीक है, लॉकर बहुत ही कम ब्रांचेस में है, ठीक है, और मुश्किल से जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वहां सिर्फ केसीसी से ही काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को बुरी नहीं लगती है, लोगों को बुरी लगती है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ काम हमारा काम है, हमको काम कम करने मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कर्मठ टाइप के जिनको काम ऐसा लगता है कि हमको और चीजें सीखना चाहिए, और लोन करने हैं और करना है, तो मेरे को कोई ये चीज बुरी नहीं लगती, लेकिन लोगों को बुरी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें एक और जो बुरी चीज है वो है कि जो पोस्टिंग है ज्यादातर रूरल ब्रांचेस में होती है, ठीक है। तो आपको बुरा लगेगा कि कई लोग की वो रहते कि अरे मैं तो दिल्ली में रहूंगा, मैं तो बैंगलोर में रहूंगा, ऐसे मतलब रहती है इच्छा, दिली इच्छा रहती है कि भाई मैं तो पार्टी करूंगा, मैं तो दोस्तों के साथ घूमूंगा। लेकिन वहां मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हाँ बुरी चीज है कि रूरल पोस्टिंग मिलती है, सिटी में नहीं मिलती है, लेकिन जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो कब पार्टी करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने लोगों को बुरा लगता है, इसलिए ये पॉइंट भी कॉन्स में एड कर लिया। यहाँ पे जो एक्शन शो हो रही होगी आपको, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तीनों का कंपैरिजन दिखा दिया है। सबसे पहले सैलरी की बात आ जाती है, तो यहाँ पे आरआरबी पीओ सबसे कम सैलरी है, तो मैंने यहाँ पे उसको रेड मार्क कर दिया। तो जो जो सबसे कम है मैंने उसको रेड मार्क कर दिया, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस एसबीआई पीओ का सबसे बेकार है, वर्किंग एनवायरमेंट तो सबका ही बेकार है, लेकिन लोग बताते हैं कि एसबीआई का बहुत ही बेकार है, तो मैंने उसको रेड कर दिया। क्रॉस सेलिंग सबसे ज्यादा एसबीआई में, तो मैंने उसको रेड कर दिया। इज्जत जो सबसे ज्यादा आरआरबी मिलती है, तो मैंने उसको व्हाइट ही रखा है, तो लेकिन वहां भी इज्जत ऑब्वियसली मिलती होगी एसबीआई पीओ में, लेकिन फिर भी मैंने एक फरफान लोग बोलते हैं इसलिए मैंने ऐड कर दिया, अगर किसी को दिल पे बुरी लग जाए तो सॉरी है उसके लिए। अब प्रमोशन जो है सबसे कम आरआरबी में होते हैं, तो मैंने उसको रेड कर दिया। अलाउंसेस की स्पेलिंग गलत है, फिर भी मैंने उसको लो में आरआरबी में सबसे लो में रखा हुआ है आरआरबी को, क्योंकि अलाउंसेस सबसे कम होते हैं उसमें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे गंदा आरआरबी का होता है, तो मैंने उसको रेड कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ये आपको कब काम, ये जो एक्सेल है वो आपको कैसे काम आएगी, वो ऐसे काम आएगी कि कभी किसी को चूज करना हो कि मैं इसमें जाऊं इसमें जाऊं इसमें जाऊं, तो यहां से वो पॉइंट देख सकते हैं कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को सैलरी चाहिए अच्छी और मेरे को बहुत काम करना है, तो मैं एसबीआई पीओ चले जाऊं, या तो मेरे को जिंदगी जीना है थोड़ी कम पैसों में भी काम चल जाएगा, गांव में भी रह लूंगा मैं, तो आरआरबी पीओ चले जाओ। थोड़ा बीच का चाहिए तो आईपीएस पीओ चले जाओ, अपने हिसाब से चीजें चुनो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर आपको मेरी ब्रांच देखनी है रूरल वाली, तो आप वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।